मेरा नाम नागेंद्र बिंद हुआ, ग्राम निश्यामा और सरस्वती भीओ का वीआरपी हैं, प्रखंड मसौरी है। आज हम भिंडी का बीज उपचार सीखने के लिए गीता दीदी के पास जा रहे हैं और उस सीखने के बाद हम अपना लोग दीदी को हम बताएंगे इसी तरह से बीज का उपचार करेंगे और ज़्यादा उपज बढ़ाएंगे। सब दीदी भाइयों को प्रणाम। नाम है गीता देवी, ओरहुल समूह के कोषाध्यक्ष है, सरस्वती भीओ के सदस्य हैं। मेरा गांव हुआ निश्यामा, प्रखंड मसौढ़ी, जिला पटना। परिचय तो बहुत अच्छा दे लूँ दीदी, थोड़ा सा भिंडी के बीज उपचार कर लगे जिसे बताऊँ ना कैसे करना। चलो भैया हम बता देते हैं। भैया बीज उपचार करे में ये सब सामग्री लगे। ये आधा किलो भैया भिंडी के बिया है, एक कट्ठा खेत ला। ये भैया 100 ग्राम गाय के गोबर है। ठीक है दीदी। 100 ग्राम मिठाई भैया। ठीक है दीदी। 1 लीटर सुसुम पानी है भैया। ठीक है दीदी। ये 20 ml गाय के मूत है भैया। ठीक है दीदी। ये बोस्टिन पाउडर है भैया, फुंदी नाशक है भैया। ठीक है दीदी। तो फुंदी नहीं लगते। ठीक है दीदी। भैया यह सावन सब सामान भिंडी के बीज में उपचार करे में लगा है भैया। ठीक है दीदी, हम समझ गए लियो। आप सामग्री तो समझ लो दीदी, ये आधा किलो भिंडी के बिया है एक कट्ठा खेत के लिए, और 100 ग्राम गाय के गोबर है, और 100 ग्राम मीठा है दीदी। हाँ भैया। और गाय के मूत्र है 20 ml। हाँ भैया। और बवस्टिन पाउडर है दीदी। हाँ भैया। और सुसुम पानी है दीदी। हाँ भैया। विधि बता दो दीदी। ठीक है भैया बता दही। 1 लीटर सुसुम पानी है भैया, तब भिंडी के बीज आधा किलो एक में डाल दही। ठीक है दीदी। 100 ग्राम अथी गोबर है भैया। अच्छा दीदी, ये गाय अथी गाय के गोबर काला मिले लूँ दीदी? भैया ये गोबर पर नीचे खाद है, ओकरा ताकत आवे भैया ये बीज में पूरा। अच्छा, बीजवा में ताकत आवे दीदी। हाँ भैया, बीजवा में ताकत। अच्छा दीदी। 100 ग्राम मीठा है भैया। ठीक है दीदी। मीठा काला दे लूँ दीदी? बस कौची होवा है ना भैया। हाँ। कि बीजवा में पूरा ताकत आवे है भैया, तो पूरा अच्छा से जमा है। अंकुरण में आसान होवे दीदी? हाँ भैया, अंकुरण में पूरा आसान होवे है। चिपा होवे के अथी कारण सब चीज के साट के रखा है भैया। ठीक है दीदी। 20 ml गौ के मूत है भैया। ठीक है दीदी। गौ मूत्र काला डालूं दीदी? गौ मूत्र डाले भैया यह लगी कि जितना कीड़ा मकोड़ा सब रहा है ना भैया, से वो सब मर जाए। अच्छा, यही ला डला है दीदी? हाँ भैया, यही ला डला है कि एको कीड़ा ना रहे, सब मर रहे भैया। अच्छे भैया एकरा में चला दे थिए कि सब अच्छा से बीज में मिल जाते भैया। ठीक है दीदी। खूब बढ़िया से चला देते हैं। आपका कर्म दीदी एकरा? एकरा फूल ला धार देबे भैया, एकरा 6 घंटा ठंडा में छोड़ देबे भैया, एकर प्रक्रिया अब आगे करबे भैया। ठीक है दीदी, तो अब 6 घंटा बाद हम अभी दीदी। हाँ, 6 घंटा के बाद है भैया। घर है गीता दीदी? हाँ भैया, घर तो ही है। हाँ, 6 घंटा हो गई दीदी सोले की, चला आगे प्रक्रिया बतावा। चला भैया बता दही है। 6 घंटा तो हो गए है भैया, अब एकरा बिजवा के सूती कपड़ा में छान के पसार देवे भैया। एकरा छान के पसार देवे दीदी? हाँ भैया, एकरा छान के पसार देवे। अच्छा दीदी। 6 घंटा हो गए भैया, ये पनिया के छान दही है। अच्छा, एकरा छाना हूँ दीदी? हाँ भैया, छान दे थी। अच्छा दीदी, लाउन दीदी मदद कर दही है। धारा भैया कर दू। बिजवा के तो छान देलिए, अब पसार दहिए। अच्छा, करा पसार मु दीदी? हाँ भैया, पसार दही, पसार के एकरा में बोस्टिन पाउडर मिलावे भैया। अच्छा, करा में बोस्टिन पाउडर मिला मु दीदी? हाँ भैया, करा में बोस्टिन पाउडर मिलावे दीदी। अच्छा, बोस्टिन पाउडर काला मिला मु दीदी? भैया ये बोस्टिन पाउडर
ये फफूंदी नाशक है, एकरा में फफूंदी ना लगे। अच्छा दीदी, एकरा डालमो फफूंदी नाशक है। हां फफूंदी ना लगते। अच्छा समझ गेली दीदी। दीदी मिला के बता दो ना। अच्छा भैया मिला के बता दिए। पोलथिन काला पहनाऊं दीदी? पोलथिन हेला पहनाई भैया, जहर है भैया, यानी फफूंदी नाशक है। हां फफूंदी नाशक है तो जहर है, तो एकरा में दिक्कत न होते भैया, जहर है। वैसे चिम पोलथिन पहनाऊं दीदी कि पोलथिन से अपना में मिलम हूं? हां हानि ना करते भैया, हाथ में हानि न करे। हाँ ओहे लागी के ले आधा किलो बीजवा के लिए 2 ग्राम बवष्टनी पाउडर मिलावे भैया। अच्छा दीदी, आधा किलो बीज के 2 ग्राम अति बवष्टनी पाउडर चाहे दीदी? हाँ भैया। देखो भैया मिला दिलिए। अच्छा दीदी फफूंदी न लगते। अच्छा दीदी आप सब देख लील दीदी, हमू सीख गेले, अब हमू जेबे त अपन समूह में दीदी के सबके समझाइबाई। हां भैया ऐसे जाकर समझाइया सब दीदी के समूह में, बड़ी अच्छे तरह के ई सब शोधन होके ई बीज लगा है त पूरा भैया बीजवा जम्मा है। अच्छा बीज जम्मा है दीदी। हाँ, उपजाव ज्यादा होबे। हां उपजाव ज्यादा हो भाई भैया। भैया अब बीजवा के 10 से 12 घंटा बांध के रख देबे भैया। अच्छा दीदी, अब बांध के रख देबे ना त एकरा में 12 घंटा में अंकुरण आ जते भैया ना, त ई बीजवा रोपा जते। अच्छा दीदी समझ गेली, 10 से 12 घंटा रहती दीदी ठंडा। हाँ, जगह पर। हाँ, तो अंकुरण आ जते। हां भैया ठंडा जगह पर। अच्छा तब रोपते। हां भैया बांध के रख दे ठंडा जगह में। ठीक है दीदी, बीज सोधे से का का फायदा होवे दीदी? बीज सोधे से भैया पौधा स्वस्थ रहते, रोग मुक्त रहते, फसल अच्छा होते भैया एकदम बीज सोधे से। सब दीदी भैया से अनुरोध है कि भिंडी के बीज शोधन करके उपचार करके लगाएं।